फ्रेंड्स आप देखा है टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड छात्रों के मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आते हैं। सबसे पहला कमेंट ये है कि सर ऑल इंडिया कोटा 15% की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी। मैं एक शब्द में आपको बता दूं कि दिसंबर के बाद आपकी नीट 2021 की ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के अभी तक रुका हुआ है। एमसीसी ने साफ नोटिफिकेशन में ये बोल दिया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आ जाता, नोटिफिकेशन में ये क्लियर है, तो जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आएगा रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर के, तब तक काउंसलिंग स्टार्ट नहीं की जाएगी। दूसरा सबसे ज़्यादा कमेंट छात्रों का ये आता है कि सर जो एम्स की लास्ट 2020 की जो कट ऑफ रही थी कि एम्स में कितने कितने मार्क्स पर छात्रों को कॉलेज अलॉट हो गए थे सभी कैटेगरी की, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि सभी जितने भी एम्स हैं उसमें लास्ट 2020 में जो कट ऑफ थी छात्रों को कितने कितने मार्क्स पर कॉलेज अलॉट हो गए थे एम्स मेडिकल कॉलेज। सो डेट आप पूरा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया हो वीडियो को लाइक कर दें, और टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें हमारी वीडियो की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन के लिए। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आपको काउंसलिंग की प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको टेक्निकल हिंदी गुरुजी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम का लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। टेलीग्राम की लिंक पर जाकर के आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। कभी मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ तो टेलीग्राम पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सभी जानते हैं मैं अनकैडी पर एजुकेटर हूँ। जिन बच्चों को नहीं पता है मैं बता देता हूँ कि मैं अनकैडी पर एजुकेटर हूँ, 2022-23 की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। प्रोफाइल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाकर के अनकैडी पर मुझे फॉलो कर लीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि जो बच्चा 2022-23 की प्रिपरेशन कर रहा है उन छात्रों के लिए अच्छा मौका है। 15 दिसंबर यानी कल इसकी लास्ट डेट है। जो बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है मेरा कोड TCS10 डाल करके उसको 1 महीने का और 2 महीने का फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा, तो फटाफट से सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। सब्सक्रिप्शन की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोड भी TCS10 डाल करके आप सब्सक्रिप्शन लीजिएगा, कोड भी डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको एडिशनल डिस्काउंट चाहिए, बेसिकली आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, अगर आपको ज़्यादा डिस्काउंट चाहिए तो मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, जो कि मैंने व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप फाइनेंस पर भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, TCS10 कोड डाल करके आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा व्हाट्सअप पर, फाइनेंस पर भी मैं दिखा दूंगा। 15 दिसंबर को एक बैच स्टार्ट हो रहा है 2022 के लिए, तो फटाफट से आज ही और अभी सब्सक्रिप्शन लेना है TCS10 कोड डाल करके। 19 दिसंबर को सुबह 11 बजे एक मेगा कॉम्बैट होगा जिसमें आपको ढेर सारे रिवार्ड्स जीतने का मौका मिलेगा। सो डेट सभी स्टूडेंट्स में रोल करिएगा, साथ ही आपको रैंक 1 वाले को गोल्ड मेडल मिलेगा और मेरिट सर्टिफिकेट भी उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें रोल जरूर करिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगी, कोड मेरा TCS10 डालिएगा, आप इसमें रोल कर पाएंगे बिल्कुल फ्री। ठीक है फ्रेंड्स, MBBS के लिए नीट 2022 में क्लोजिंग रैंक क्या रही थी मैं आपको बता देता हूं। तो आप देख सकते हैं न्यू दिल्ली एम्स की बात करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं जनरल के लिए 51 रैंक पर ही कॉलेज फर्स्ट राउंड में ही क्लोज हो गई थी इसकी सीट, ठीक है। 218, ये मैं आपको बता रहा हूँ रैंक, ऑल इंडिया रैंक बता रहा हूँ, 218 तक OBC वाले, 1998 SC ST के लिए 2239, तो ये आपकी रैंक है। बठिंडा एम्स बठिंडा के आप देख सकते हैं जर्नल के लिए 3424 यहाँ पर क्लोजिंग रैंक रही थी, मतलब इतनी रैंक तक छात्रों को कॉलेज अलॉट हो गए थे। अब मैं 2021 की बात करूँ तो 2021 में आप देख सकते हैं थोड़ी रैंक ऊपर नीचे करके आप इसको मान सकते हैं कि हमको कॉलेज मिल सकता है। सपोज डेट अगर ये 51 पर जर्नल के लिए फर्स्ट राउंड में ही कंप्लीट हो गई थी, फर्स्ट राउंड में ही सीट भर गई थी, तो आप ये मान के चल सकते हैं कि 50-52 तक ये सीट 2021 में भी आपको कॉलेज मिल जाएगा अगर आपकी रैंक 51, 52, 53 की समथिंग है। तो एम्स गोरखपुर, एम्स कल्याणी, आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जर्नल के लिए 4090 गोरखपुर और एम्स कल्याणी के लिए 4411 जर्नल के लिए। उसके बाद फ्रेंड्स रायबरेली के लिए 3882 रैंक तक छात्रों को कॉलेज मिले थे इसमें। और दूसरा आपका एम बिलासपुर जो कि हिमाचल प्रदेश में है, जर्नल के लिए 4980 रैंक तक कॉलेज अलॉट हो गए थे। गुवाहाटी के लिए यहाँ पर 5366, जम्मू के लिए 6078 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुए थे। और उसके बाद आपका मंगलांगरी एम्स जो है उसमें 3127 रैंक तक, राजकोट में 3085 रैंक तक कॉलेज अलॉट हुए थे। एम्स तेलंगाना जो कि बीबी नगर विलेज रंगापुर मेडिकल नेम्स, ठीक है, बीबी नगर में जो है उसमें 3086, भुवनेश्वर में 569 मार्क्स तक छात्रों को कॉलेज अलॉट हुए थे। एम्स देवघर जोधपुर, ठीक है, एम्स पटना नागपुर, एम्स रायपुर और एम्स ऋषिकेश, ठीक है, एम्स भोपाल, तो आप देख सकते हैं एम्स भोपाल में 591 रैंक तक छात्रों को कॉलेज अलॉट हुए थे। रायबरेली रायपुर में 1593, ये आप कैटेगरी अपनी देख सकते हैं, मैं केवल जनरल जनरल की बता रहा हूँ। ऋषिकेश के लिए 1300, ठीक है। उसके बाद एम्स पटना में 1850 और एम्स नागपुर में 2500
137 रैंक तक कॉलेज अलॉट छात्रों को किए गए थे। आपकी कितनी रैंक है एक बार मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा आपकी कितनी रैंक है। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन हो आप मेरे से टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पर पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और उसके बाद मैं आपको बता दूँ फ्रेंड्स कि आज मैं अनअकैडमी पर एक फ्री काउंसलिंग सेशन लेने वाला हूँ जिसमें आप इनरोल जरूर करिएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल फ्री होगा। उसकी मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दी है। आपको करना क्या है, 7 बजे मेरा सेशन होगा, 7 बजे अनअकैडमी पर मेरा सेशन होगा, ठीक है, जो कि बिल्कुल फ्री रहेगा। काउंसलिंग से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी कोई पूछना हो तो आप मेरे 7 बजे अनअकैडमी पर फ्री सेशन होगा, उसमें आप पूछ सकते हैं। आपको क्या करना है फ्रेंड्स, टेलीग्राम अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को, अनअकैडमी लर्निंग एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है और मेरा कोड डालना है आपको TCS10, ठीक है, TCS10 डालेंगे। उसके बाद मेरे व्हाट्सअप नंबर पर एक कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी अनअकैडमी की प्रोफाइल लिंक दे दी है, वहाँ पर लिंक पर जा करके आप मेरे अनअकैडमी पर जा करके ज्वाइन हो जाएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें, मैं टेलीग्राम पर उसकी लिंक शेयर कर दूँगा, ठीक है।